बिग बॉस सीजन 14 का हर एक एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होता है और इतना ही मजेदार आज का भी एपिसोड रहा क्योंकि आज घर में काफी ज्यादा धमाल मचा। विकास गुप्ता का इमोशनल ब्रेकडाउन, उनकी दुख भरी कहानी दास्ता और वो घर वालों के सामने रोते बिलखते दिखाई दिए। इसके अलावा घर में सारे घर वालों के लिए एक बड़ा ही बॉम्ब ब्लास्ट किया बिग बॉस ने। इसके साथ ही घर में बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े देखने को मिले तो साथ ही में राखी के मस्ती भरे अंदाज ने आज के एपिसोड में अलग ही तड़का डाला। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली गोगिया और चलिए आपको बताती हूँ आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीकेंड का बार के बाद घर वाले आराम फरमा रहे होते हैं लेकिन विकास गुप्ता थोड़े अपसेट होते हैं और अश्विन के पास आ जाती हैं, शायद उन्हें परेशान करने के लिए या फिर उनसे सीरियसली थोड़ा सा कंसर्न होता है और उनसे पूछने के लिए आ जाती है। विकास डर जाते हैं, रोते दिखाई देते हैं तो यहाँ पर अर्शी के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। अगले दिन की एक अच्छी शुरुआत होती है, घर वाले झूमते नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके बाद घर वाले अपनी डेली रूटीन में लग जाते हैं जहाँ पर राखी सावंत राहुल वैद्या के साथ मजेदार बातें करती नजर आती है और बताती है कि उन्होंने कैनेडा से MBBS किया है और बताती है कि पेट में एसिड होता है और जब हम डकार करते हैं तब हमारे दिल की ब्लॉकेज खुल जाते हैं क्योंकि आलू इसमें हेल्प करती हैं और हमें भरपूर आलू खाने चाहिए। राहुल वैद्या ने चुटकी लेते हुए उनसे MBBS की फुल फॉर्म पूछ ली और यहाँ पर राखी बचते हुए बाहर चली गई चीख का बहाना लेते हुए। और फिर राखी सावंत ने अभिनव और रूबीना से पूछा MBBS का फुल फॉर्म, वो भी प्रॉपर नहीं बता पाए और अंदर उनका और भी मजाक बना क्योंकि उन्होंने गलत फुल फॉर्म बताई और इस तरीके से घर में खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन वही विकास गुप्ता थोड़े अपसेट होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते दिखाई देते हैं तो साथ ही में उनके जो सबर का बांध होता है वो भी टूट जाता है। घर वालों के सामने वो अपना हाले दिल बयां करते नजर आते हैं कि एक शख्स है जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है और वो शख्स बिग बॉस में भी आ चुका है और उसने मुझे इस तरीके से परेशान किया है कि मैं आज तक उस चीज को झेल रहा हूँ। हम 1 से 1.5 साल तक एक दूसरे के साथ थे, गुड रिलेशनशिप, बट उसने कुछ ऐसी चीजें की, चीजें काबू से बाहर हो गई। उसने मुझे मेंटली काफी परेशान किया, मेरी इमेज को खराब किया जो कि आज तक कंटिन्यू है। लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। मैं अभी तक उन चीजों से बच रहा था कि उसका नाम ना लूं, लेकिन उसने हद पार कर दी है और अब मैं उसका नाम खुलेआम लूंगा। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। वो काफी रोते नजर आते हैं, काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इसके बाद घर में नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होती है और बिग बॉस घर वालों को एक टास्क देते हैं लेकिन इस टास्क में निकी तंबोली और अली गोनी बीच में भांजी मारते हैं और रूल्स ब्रेक करते हुए नजर आते हैं और टास्क रद्द हो जाता है। बिग बॉस काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और सारे सदस्य उनके ऊपर टिमटिमाए होते हैं कि हमेशा रूल्स ब्रेक करते हो, रूल्स के बीच में खेलो ना, ये कोई तरीका होता है गेम खेलने का। अर्शी खान काफी गुस्से में होती है। फिर बिग बॉस घर वालों पर एक ब्लास्ट करते हैं कि भाई निकी और अली गोनी की तो आदत हो गई है हर बार रूल्स ब्रेक करने की, लेकिन इस बार सजा सारे घर वालों को मिलेगी। तो विकास गुप्ता होते हैं कप्तान, वो तो इस सजा से बच गए लेकिन बाकी सदस्य फंस गए और उन्हें इस हफ्ते के लिए कर दिया गया नॉमिनेट। सारे घर वाले तमतमाए नजर आए और उनके ऊपर खूब गुस्सा फूटा, उनके दोस्त भी उनसे नाराज दिखे। अली गोनी के दोस्त राहुल वैद्या ने भी उन्हें काफी खरी खरी सुनाई। तो वही अर्शी खान को काफी ज्यादा नाराज दिखी निकी तंबोली से और कहा कि इस बार तो यही लड़की बाहर होगी क्योंकि इसने हदें पार कर दी हैं, ये अपने आप को ज्यादा समझती है समझदार लेकिन ये है नहीं। और वही राखी सावंत भी कहती है कि क्या यार यार करके अपना दोस्त बना लिया है, तुम तो अपने आप को बाप समझते हो लेकिन बाहर तुम्हारे भी बाप बैठे हैं। और इस तरीके से सारे घर वाले ही उन पर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक खबर, अपडेट, हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, टॉप 5 खबरें, बाकी दूसरी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।